हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल. इट्स टीना. और आज का जो सेशन है वो इस बारे में है कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं. सो अभी उनकी करंट एनर्जीज क्या हैं, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे. तो यहाँ पर तीन पाइल्स है. पाइल नंबर 1 ये की रिंग है, पाइल नंबर 2 ये एक ब्रेसलेट है, और पाइल नंबर 3 ये एक वॉच है. तो आपको जो भी पाइल अट्रैक्ट करते हैं आप उसे चूज़ कर लीजिए एंड उसके बाद हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे. स्टार्ट करने से पहले मैं बता देती हूँ कि जो फ्री रीडिंग है जो हर दिन मिल रही है सबको, वो अभी भी चली रही है. तो फ्री रीडिंग जीतनी है आपको तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को शेयर करिए, लाइक करिए. लाइक फॉर श्योर करना आपको. कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए. देखिए, जब आप मेरे यहाँ पर चैनल पे कमेंट करते हैं तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है कि आपको फ्री रीडिंग के लिए कमेंट करें. आप कुछ भी कमेंट कर सकते हैं, अच्छा बुरा, जैसा जो भी आपको दिल करे. एंड कमेंट सेक्शन में दूसरे चैनल का लिंक है, आप उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए. वहाँ पर भी एक कमेंट करिए. ये मत कमेंट करिए कि आपको फ्री रीडिंग चाहिए. आप मुझे इंस्टा पे आके बताइए कि आपको फ्री रीडिंग चाहिए. आप वहाँ पे मुझे मैसेज करिए इंस्टा पे, और अगर आप जीतेंगे तो मैं आपको स्टोरी में भी डाल दूंगी आपका नाम, तो सो दैट आपको क्लियर हो जाए और बाकी को भी पता चल जाए कि आज का विनर कौन है. और आपको मैं पर्सनली खुद ही DM कर दूंगी, मैसेज कर दूंगी कि आप जीत चुके हैं और आप अपना क्वेश्चन मुझसे पूछ लीजिए. सो आपको ऐसा करना है. तो यहाँ पर सारी जगह फ्री रीडिंग मत लिखिए, क्योंकि बहुत अजीब लगता है देखने में भी अजीब लगता है, क्योंकि बाकी तो आप कुछ बोल ही नहीं रहे फ्री रीडिंग के अलावा. तो मुझे बाकी बातें भी तो आपकी सुनने के लिए अच्छा लगता है ना. तो प्लीज़ वो यहाँ पे बोलिए. आप इंस्टाग्राम पे मुझे पर्सनली मैसेज करिए कि आपको फ्री रीडिंग चाहिए, ताकि आपको भी ऑड ना लगे और मुझे भी ऑड ना लगे. और मेरा जो दूसरा चैनल है उस पर भी सब्सक्राइब करना है, क्योंकि कुछ लोग हैं ना उस पर सब्सक्राइब नहीं करते और नीचे कमेंट नहीं लिखते, तो मुझे नहीं पता चलता कि आपने वो सब्सक्राइब करा है या वीडियोस को लाइक करा है, शेयर करा है. तो आप प्लीज़ वहाँ पर भी अपना कमेंट ज़रूर लिखें अच्छा सा कोई, एंड देन मुझे आके बताइए कि आपने दोनों जगह फॉलो अप कर लिया है एंड अब आप फ्री रीडिंग के लिए एलिजिबल हैं. उसके बाद जो भी पर्सन जीतेगा उसको मैं बता ही दूंगी खुद. तो चलिए अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं. सो पाइल नंबर 1, काफ़ी अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके, काफ़ी सारे कार्ड्स हैं. मैं 1 by 1 आपको दिखा दूंगी क्योंकि फ्रेम में एक साथ नहीं आ रहे. तो यहाँ पे बात करते हैं, जो शुरू में कार्ड आया 6 of Swords. तो 6 of Swords मुझे ये कह रहा है कि आपका जो बुरा टाइम है ना वो खत्म होने वाला है. आप अच्छे टाइम की तरफ जा रहे हो. कन्फ्यूजन्स थी आपके दिमाग में, अभी भी है स्लाइटली, लेकिन धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगी. अगर आपको लग रहा है कि आपने बहुत कन्फ्यूजन झेली है पिछले पास्ट लाइक 1.5 साल से या 2 साल से, तो कोई नहीं, वो अब ओवर होने वाली है. 1-2 महीना और मैक्सिमम, देन उसके बाद आपकी लाइफ में जो कन्फ्यूजन है वो निकल जाएगी. उसके बाद हम बात करते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स की. तो आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर की जो फीलिंग है ना वो ये है कि वो भी आपको लेके कन्फ्यूज है. उनको भी समझ में नहीं आ रहा वो क्या करे. शायद वो फाइनेंशियल मैटर पे थोड़ा आपके प्रॉब्लम हो रही है. शायद आपकी जो फैमिली का स्टेटस है वो बहुत अलग अलग है, तो आपको उस चीज़ को लेकर टेंशन होती है कि पता नहीं वो चीज़ कभी पूरी होगी या नहीं, कभी वो स्टेटस बैलेंस होगा या नहीं होगा. तो उस चीज़ के ऊपर आपके पार्टनर मेहनत कर रहे हैं. आप अभी भी वो पेज ऑफ पेंटिकल्स, जैसे यहाँ पर भी दिख रहा है कि मनी है, यहाँ पर भी दिख रहा है मनी है, तो डेफिनेटली मनी है. और आगे के देखो कार्ड जो स्टार का है, द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है, 10 of Cups है, तो ये दिखा रहे हैं कि शादी तो आपके पार्टनर आपसे करना चाहते हैं और ये कनेक्शन काफ़ी गाइडेड भी है. आपको भगवान ने ही मिला है और वही आपकी जो प्रॉब्लम्स है ला रहे हैं और वही ख़त्म कर रहे हैं. सब चीज़ें वही कर रहे हैं, आप बस कठपुतली की तरह नाचते रहिए. यहाँ पर वही हो रहा है आपके सामने, क्योंकि आप बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हो, बहुत जल्दी अपसेट हो जाते हो, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हो. तो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखिए. आपके जो पार्टनर है ना वो पता है कैसे हैं, कभी तो ऐसे बिल्कुल एकदम प्यार प्यार से बोलते हैं पूरा टाइम ऐसे, तो आपको लगता ही नहीं आपके बीच में कोई प्रॉब्लम्स भी है. कभी तो वो इतना प्यार दिखाते हैं, इतना प्यार दिखाते हैं, और कभी फिर वो एकदम से बैकआउट हो जाते हैं. तो फिर आपको थोड़ा सा आप डिस्टर्ब हो जाती है आपकी एनर्जी. तो यहाँ पे मुझे ये चीज़ ज़्यादा दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए. तो मैं बता दूँ कि जो आपके पार्टनर है ना फिलहाल अपने जो फाइनेंसेस है ना उन पे ज़्यादा काम करना चाह रहे हैं. वो आपसे तो प्यार करते हैं डेफिनेटली, उसमें कोई डाउट नहीं है. उनकी फीलिंग्स आपके लिए यही है कि वो आपको मैरिज मटेरियल देखते हैं, वो आपको आपसे शादी करना चाहते हैं. वो चाहते हैं कि आप ये जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है ना, ये जो होती है लेडी, ये होती है बिल्कुल रानी तो है, ये क्वीन है, लेकिन ये बहुत रिस्पॉन्सिबल है, केयरिंग है, ये अपनी पूरी फैमिली के बारे में सोचती है पहले. तो उनको ना इस तरह का नेचर लगता है आपका, और वो चाहते भी आपसे यही है कि जब आप उनकी फैमिली में जाओ तो सब आपको ऐसे ही देखें कि अरे हाँ है तो ये घर की क्वीन, लेकिन सबकी फिर भी कितनी केयर करती है, रिस्पॉन्सिबल है, कितनी प्यारी है. एंड आप उनको बहुत ही अट्रैक्टिव लगते हो, वो आपको बहुत ही ज़्यादा सुंदर समझते हैं, बोलते भी होंगे, आप ऑलरेडी भी स्मार्ट दिखते हो काफ़ी.
तो वो आपके लुक्स के ऊपर तो फिदा ही हैं, उसके अलावा आपके नेचर पे फिदा है, उनको आप परफेक्ट लगते हो टू बी ऑनेस्ट। लेकिन उनका जो नेचर है वो इसी तरीके का है कि कभी तो वो एकदम से बहुत ज़्यादा प्यार दिखाते रहते हैं पूरा टाइम आपके साथ ही, उनको कहीं जाना ही नहीं, और कभी कभी उनके पास पूरे दिन में एक बार आप भी कॉल कर दो तब भी उनको कि हाँ ठीक है बाद में करता हूँ, बाद बिजी हूँ, काइंड ऑफ उनका इस तरह का नेचर है जो कि आपको बहुत इरिटेट करता है। लेकिन ये उनका नेचर है, वो ऐसा नहीं है कि वो कहीं और आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, आपको इग्नोर कर रहे हैं, वो सिर्फ ये है कि वो एक टाइम पे ना ज़्यादा चीज़ों को कर नहीं पाते हो। वो कोशिश भी करें ना कि मैं दो चार चीज़ें इकट्ठी कर लूँ तो उनसे होता नहीं है, तो इसलिए वो जब आपके साथ होते हैं तो बाकी चीज़ों के बारे में नहीं सोचते, जब बाकी कोई काम कर रहे होते हैं तो वो सोचते हैं कि आपके ऊपर ध्यान ना दें, क्योंकि ध्यान देंगे तो उनका ध्यान डिस्टर्ब हो जाएगा और वो अपना काम कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आपसे तो वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा उनको आप अट्रैक्टिव लगते हो, तो वो आपके साथ होते हुए किसी और चीज़ पे फोकस ही नहीं कर सकते। तो यहाँ पे वो चीज़ दिख रही है, और डेफिनेटली वो चाहते हैं कि जल्दी से फाइनेंसिस ठीक हो जाए और फिर शादी हो जाए आपके, दो बच्चों, मेरे ख्याल से आप दोनों के बीच में बात होती होगी कि आपको दो बच्चे चाहिए, एक लड़का एक लड़की। तो ये मुझे दिखाई दे रहा है किसी के लिए तो पर्टिकुलर के लिए, बाकी मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है जो आपके पर्सन है ना, आप निश्चिंत रहिए आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है वो जल्दी खत्म होने वाली है, और आपके पर्सन आपसे बहुत 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 ज़्यादा प्यार करते हैं, वो आप ही के बारे में सोचते रहते हैं दिन रात, उनको ऐसा लगता है कि आप उनको सोलमेट मिल गए हो अपने, एंड ये सोलमेट कनेक्शन ही है, और आपको लगता होगा कभी कभी ये ट्विन फ्लेम है या ये पता नहीं कार्मिक तो नहीं, हमारी शादी होगी या नहीं होगी, लेकिन आपके पार्टनर 100% श्योर है कि शादी तो होगी ही, हम लोग हमेशा साथ में ही रहेंगे, और वो तो उनको तो लगता है कि उनका तो ड्रीम कम ट्रू हो गया है आपसे मिलने के बाद, क्योंकि आप ब्यूटीफुल हो, आप प्रिटी हो, आप इंटेलिजेंट हो, आपका नेचर बहुत अच्छा है, मेरे ख्याल से आपकी आईज़ या आपके हेयर्स उनको बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है, वो बोलते होंगे कि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि तुम इतनी खूबसूरत हो और तुम्हारा नेचर भी इतना अच्छा है, नेचर ज़्यादा बेटर करता है, ये तो प्लस पॉइंट है कि तुम सुंदर भी हो, तो इस तरह की बातें वो आपसे करते होंगे। बहुत ही क्यूट रिलेशनशिप है, बहुत ही ज़्यादा। जो भी प्रॉब्लम है यहाँ पे मुझे थोड़ा सोसाइटी की लग रही है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, हो सकता है इंटरकास्ट हो सकता है कि अलग रिलीजन हो आपका, या फिर स्टेटस में जैसे मैंने बताया था डिफरेंस हो, यही चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, और चीज़ें मुझे यहाँ नहीं दिखाई दे रही। पार्टनर की तरफ से तो आप निश्चिंत रहिए, आप हमेशा टेंशन फ्री रहिए, क्योंकि वो तो डेफिनेटली आपको बहुत 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 ज़्यादा पसंद ही करते हैं। तो यही थी आपके पार्टनर की फ़िलहाल की करंट एनर्जीज। उसके बाद जो फ्री रीडिंग चल रही है, सो जो मैं बता रही थी फ्री रीडिंग्स के लिए, आपको फ्री रीडिंग अगर जीतनी है तो रोज़ मैं एक फ्री विनर, फ्री रीडिंग के लिए, फ्री रीडिंग के लिए अनाउंस कर रही हूँ विनर, जिसको फ्री पर्सनल रीडिंग मिलेगी। तो उसके लिए आपको सिर्फ दो चीज़ें करनी है, एक तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, बहुत अच्छा सा कमेंट करना है, कमेंट में ये मत लिखना फ्री रीडिंग चाहिए, अच्छा सा कमेंट करो जो भी आपको फील होता है चैनल के बारे में वो लिखो, उसके बाद वीडियो को शेयर कर देना। और दूसरा जो मेरा चैनल है जिसके मैं कमेंट सेक्शन में लिंक डालती हूँ, आप वहाँ जाइए, स्टाइल वेरी नाम है उसका, उसे सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को शेयर करिए, एक अच्छा सा कमेंट वहाँ पर भी लिखिए, फ्री रीडिंग का मत लिखना, कोई अच्छा सा कमेंट कर देना जो भी आपको वीडियोज़ के बारे में अच्छा लगे, या कोई सजेशन देना वो भी दे सकते हैं। एंड देन मुझे इंस्टाग्राम पर आके बताइए कि आप ये सारे स्टेप कर चुके हो और अब आपको फ्री रीडिंग चाहिए, और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लेना, अदरवाइज़ मुझे मैसेजेस जो मिलते हैं वो क्या बोलते हैं उसे, जो मैसेजेस मिलते हैं और इंस्टाग्राम पे दिखते नहीं है जब तक फॉलो ना करो, हाँ रिक्वेस्ट में चले जाते हैं, तो इसलिए वो मुझे मिलते नहीं है क्योंकि बहुत सारे आ रहे होते हैं, तो इसलिए फॉलो करके करना सो दैट मैं उनको देख सकूं। सो आई गेस क्योंकि इंस्टाग्राम पे वैसे तो मैं हूँ बहुत टाइम से, लेकिन चलाना मुझे भी वो थोड़ा कम ही आता है, तो इसलिए आप मुझे फॉलो ज़रूर कर लेना, एक दो पोस्ट को लाइक कर लेना ताकि मुझे दिख जाए कि आपने कर लिया, क्योंकि बहुत सारे लोग मैसेजेस भेज रहे हैं तो सबके मैसेजेस मुझे नहीं दिखाई दे रहे होते हैं, सो इसीलिए सॉरी जिनके नहीं दिखाई दे रहे होते हैं, मैं चेक करती रहती हूँ पर मैं देख लूँगी। तो अगर आप एक दिन नहीं जीत रहे तो आप दूसरे दिन ज़रूर जीत जाएंगे, सो लगे रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो हेलो पायलट नंबर 2, जिन्होंने क्यूट सा ब्रेसलेट चूज़ किया था, तो उनको देख लेते हैं। आप बहुत ही इमोशनल हो और बहुत ही सॉफ्ट नेचर है आपका, अब देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। तो एक तो बात यह है कि वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत अट्रैक्टिव भी हैं आपके पार्टनर, उनके पास बहुत ऑप्शंस रहते होंगे, एज अ फ्रेंड्स ऑप्शन होंगे, पढ़ाई के ऑप्शन होंगे, या फिर इतने अट्रैक्टिव है कि उनको कोई ना कोई लड़की या लड़का हमेशा उनके आसपास भिनकता रहता है मक्खी की तरह,
और वो गुड़ की तरह बीच में रहते हैं, तो ये चीज़ भी हो सकती है। लेकिन आपके पार्टनर का ध्यान आपके ऊपर है बहुत ज़्यादा, लेकिन वो बहुत ही स्लो पर्सन है, अपनी फीलिंग्स भी जल्दी से नहीं बताते, फ़ोन भी जल्दी से नहीं करते हैं, मैसेज भी जल्दी से नहीं करते होंगे, अगर आप फ़ोन करते भी हो तो रिप्लाई करते होंगे, क्योंकि वो पर्सन है ना बहुत ज़्यादा स्लो है, बहुत ज़्यादा स्लो काइंड ऑफ पर्सन है। और सैड भी हो रखे हैं अभी, मेरे ख्याल से आप लोगों के प्लान्स वगैरह बन रहे होंगे घूमने फिरने के, जो कि नहीं पूरे हो रहे, तो वो सैड हो जाते हैं, लेकिन शायद आपको इतना दिखाते नहीं है, क्योंकि उनको ये लगता है कि यार इमोशंस दिखाना उनके ना थोड़ी सी प्रॉब्लम है। वैसे वो इमोशनल होंगे, लेकिन वो अपने दिल की जो एक अंदर वाली जो फीलिंग्स होती है ना, बिल्कुल ऐसे कि ये तो मेरी वीकनेसेस हैं, ये तो किसी को पता ही नहीं लगनी चाहिए, वो नहीं दिखा पाते आपको भी, जबकि वो आपसे शेयर करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए उनको हिम्मत चाहिए। एंड डेफिनेटली आप कुछ प्लान कर रहे हो ट्रैवलिंग का, या मिलना चाह रहे हो जो कि नहीं हो रहा, और आप चाहते हो कि मिलो, हो सकता है आपके बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है जिसकी वजह से वो थोड़ा सैड हैं यहाँ पर, क्योंकि वो सैड तो हैं और आपके बारे में सोच रहे हैं, मतलब आपके बारे में पूरा दिन रात सोच रहे हैं और सैड भी हैं, और कोई स्टेप भी नहीं ले रहे, तो हो सकता है आपकी कोई लड़ाई हो गई है जिसकी वजह से वो आपको कॉल नहीं कर रहे या मैसेज नहीं कर रहे, हो सकता है कुछ केसेस के लिए, वैसे मुझे यहाँ पे ब्लॉक नहीं दिख रहा, हो सकता है उन्होंने आपका नंबर डिलीट कर दिया और आपको उनकी डीपी नहीं दिख रही और आपको लग रहा है उन्होंने ब्लॉक कर दिया मुझे तो एक बार एक मैसेज भेज के देख लो, शायद उन्होंने ब्लॉक नहीं करा है, सिर्फ नंबर डिलीट करा है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ब्लॉक वाला नहीं दिख रहा इतना ज़्यादा जिन, और लेकिन मुझे ये लग रहा है, लेकिन आपकी बात ढंग से नहीं हो रही है, कुछ ना कुछ तो है आपकी लड़ाई झगड़ा किसी मैटर पे। उसके बाद मैं बात करूं कि और आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो डेफिनेटली वो आपको वाइफ बनाना चाहते हैं यहाँ पर, वो आपकी ब्यूटी पे फिदा है, लुक्स पसंद है, नेचर पसंद है, आपको बहुत ही लाइक सुंदर समझते हैं। जो लोग मैरिड है ना आपके पर्सन, या आप अभी चाहते हो कि शायद बेबी प्लान करना, तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन जो लोग मैरिड नहीं है वो डेफिनेटली चाहते हैं कि आपकी एक फैमिली हो, वो आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं हमेशा। यहाँ पे ये आपको पता होगा कि आपका झगड़ा किस बात पे हुआ है, लेकिन उनकी फीलिंग्स फिर भी यही है कि शादी करनी है इस पर्सन से, चाहे वो लड़का हो या लड़की, सामने वाले पर्सन की यही फीलिंग है कि शादी करनी है, इसके साथ रहना है, घूमना है, फिरना है, लेकिन इस चीज़ में ना उनको बहुत हिम्मत चाहिए। यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड ये दिखा रहा है कि वो हिम्मत लग रही है उनकी, और वो अभी हिम्मत इतनी दिखा नहीं पा रहे, अभी वो इस एनर्जी में है, लेकिन वो आने वाले टाइम में इस एनर्जी में हो जाएंगे, एंड देन आपको ज़रूर बताएंगे कि वो आपके बारे में इतना अच्छा अच्छा सोच रहे हैं। चाहे लड़ाई भी हो जाती है ना, तो भी मैं तुम्हारे बारे में यही सोचता रहता हूँ कि कब सब कुछ ठीक होएगा और कब हम घूमेंगे फिरेंगे, बात करेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, मैं यही सोचता रहता हूँ या सोचती रहती हूँ। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि आप हमेशा लड़कियों के लिए रीडिंग करते हो, तो देखो नॉर्मल है, मैं लड़की हूँ तो मैं लड़कियों के वे में बोलूँगी ना, मैं लड़कों के वे में थोड़ी ना बोलूँगी कि अरे मैं तुम्हारे बारे में यही सोचता रहता हूँ, या सोच मैं यही बोलूँगी कि मैं तुम्हारे बारे में यही सोचती रहती हूँ। तो समझ जाया करो ये दोनों के लिए, अगर आप लड़के देख रहे हो तो जो भी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ वो आपकी पार्टनर के लिए एक्सप्लेन कर रही हूँ, उसकी एनर्जी बता रही हूँ आपको। और वैसे भी लड़के देखते हैं कितनी है ये सारी तरह की वीडियोज़, लड़कियाँ ही देखते हैं मोस्टली सो इसीलिए जो देख सो अगर आपके बीच में कोई लड़ाई झगड़ा है और आप सोच रहे हो कि उस चीज़ को कैसे ठीक करना है, अगर आपने अपनी तरफ से एक दो बार ट्राई कर लिया है या कई बार ट्राई कर लिया है और आपके पार्टनर फिर भी आपको रिस्पांस नहीं दे रहे हैं, तो प्लीज़ अब ट्राई करना बंद कर दो, अब आपको ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपकी अभी रिसेंट लड़ाई हुई है, आप दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे से बात नहीं करी है, तो अभी 3-4 दिन और रुक जाओ, अगर फिर भी वो बात नहीं करते तो उनको मैसेज करना ज़रूर कर लेना, तब तो कर ही लेना, क्योंकि इस बार वो कुछ ज़्यादा सैड दिख रहे हैं, हो सकता है कि कुछ बड़ी बात होगी और जिसकी वजह से वो स्टेप नहीं लेना चाह रहे इस बार। लेकिन अगर ये उनकी आदत है, वो हमेशा ऐसे बिहेव करते हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं टेंशन लेने की, वो कर लेंगे अपने आप ही मैसेज, आपको कोई ज़रूरत नहीं उनके पीछे पीछे भागने के लिए, बल्कि जितना आप उनको अवॉइड करोगे उतना ही जल्दी मैसेज करेंगे आपको। और अगर आप ऑलरेडी ये कह रहे हो कि हाँ इतना दिन हो गया अवॉइड करते हुए, अभी तक तो आया नहीं, तो आ जाएगा, 3-4 दिन और रुक जाओ। और अगर फिर 3-4 दिन में नहीं करते, तो मैं तो कहती हूँ 3-4 दिन और रुक जाओ, जाना जिसने नहीं जाना उसने नहीं जाना, और जिसने रहना है वो उसने रहना ही है, और जिसने जाना है उसको तो आप चाहे मैसेज कर लो, कॉल कर लो, चाहे उसके पैर पकड़ लो, उसने रुकना नहीं है। सो इट्स डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या सोचते हो, आपको कौन सी चीज़ ज़्यादा ठीक लगती है, पर मैं ये आपको यही कहूँगी कि वेट कर लो, क्योंकि जो पर्सन नहीं जाना चाहता होता ना वो कहीं नहीं जाता। सो वेट फॉर हिम, क्योंकि वो, या वेट फॉर हर, क्योंकि वो आपसे डेफिनेटली प्यार करते हैं, आपको पसंद करते हैं, तो आप उनके लिए वेट कर सकते हो। और यहाँ पर फिर, और आप जब इस बार मिलोगे ना, तो आपके बीच में इमोशंस होंगे बहुत सारे, आप एक दूसरे से बहुत प्यार से बात करोगे, ये मुझे दिखाई दे रहा है। अब जब भी आप नेक्स्ट मिलोगे एक दूसरे से, आपके गिले शिकवे होंगे ना वो दूर हो जाएंगे, ये चीज़ मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रही है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड फ्री रीडिंग चल रही है, उसके लिए आपको 2 स्टेप करने हैं, अगर आपको फ्री पर्सनल रीडिंग जीतनी है तो।
इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, वीडियोस को शेयर करना है एंड कमेंट करना है। कमेंट कोई अच्छा सा करना है, कुछ भी चैनल के बारे में आपको पसंद हो, मेरे बारे में व्हाटएवर, आप कुछ भी कमेंट कर सकते हैं। देन कमेंट सेक्शन में दूसरे चैनल की लिंक है स्टाइलबेरी की, आप जाके उसे सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को शेयर करें, वहाँ पर भी एक प्यारा सा कमेंट करें एंड देन मुझे इंस्टाग्राम पर आके बताइए कि आपने ये दोनों चीज़ें कर ली हैं और अब आप एलिजिबल है फ्री रीडिंग के लिए। ये आपको इंस्टाग्राम पे लिखना है, इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लेना सो दैट मुझे आपका मैसेज मिल जाए प्रायोरिटी में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स जो लोग भी मैसेजेस कर रहे हैं इतने सारे फ्री रीडिंग के लिए। डेफिनेटली मैं आपको भी फ्री रीडिंग देने की कोशिश करूँगी क्योंकि एक दिन में बहुत सारे आते हैं तो एक ही पर्सन को फ्री रीडिंग देनी है, तो आप करते रहिए। मैं आपको आज नहीं मिल, आप आज नहीं जीत रहे तो शायद कल जीत जाओगे क्योंकि मैं ये काफ़ी लंबे टाइम तक करने वाली हूँ फ्री रीडिंग। सो डोंट लूज होप एंड करते रहिए आप एंड आई होप आप जल्दी जीते। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो हेलो पाइल नंबर 3, आपकी पायल रखते हुए मुझे ना वो गाना याद आ गया बेख्याली वाला, बेख्याली में भी तेरा ही ख्याल आए, बिल्कुल स्लो मोशन में, स्लो मोशन में कह सकते हैं या फिर जो अनप्लग्ड वर्जन होता है ना उस गाने का, वो याद आ गया पता नहीं क्यों। सो वही सिचुएशन से मुझे लग रही है कि हो सकता है आपका ब्रेकअप हो गया, आप सेपरेशन में, यहाँ पे टावर मोमेंट मुझे दिख रहा है, कुछ ना कुछ तो डिजास्टर हुआ है, आपकी लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ चुका है। मुझे वैसे पायल नंबर 3 के लिए यही लग रहा है कि आप ब्रेकअप हो चुका है, आप सेपरेशन में है एंड आपकी पर्सन भी आपको मिस करते हैं। और यहाँ पर 6 of cups आया, डेफिनेटली यहाँ पे कम्युनिकेशन दिख रही है मुझे, रीयूनियन दिख रहा है। अगर आपको ऐसा लग रहा है आप वेट कर रहे हो इसी पर्सन के लिए, डेफिनेटली वो आपको मैसेज करेंगे। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इस पर्सन को, डेफिनेटली वो आपको मैसेज करेंगे क्योंकि वो आपको भूले नहीं है, आपसे अभी भी प्यार करते हैं। टू बी ऑनेस्ट, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार रीडिंग में तो बहुत अच्छा अच्छा आता है, रियल लाइफ में ऐसी चीज़ें होती नहीं है, होती है, लेकिन अगर आपका इतना नेगेटिव अप्रोच रहेगा तो आपके लिए जब तक होंगी ना तब तक आप बुढ़े हो चुके होंगे। टू बी ऑनेस्ट सही में ऐसा ही होता है। तो लेकिन जो लोग पॉजिटिव हैं, जो लोगों को लगता है कि उनके साथ ये चीज़ें होंगी रियल लाइफ में भी, उनके साथ बहुत जल्दी हो जाती है। जैसे मैं तो कल ही सोच रही थी, टू बी ऑनेस्ट ये थोड़ा वियर्ड है बट स्टिल मैं शेयर करती हूँ। जैसे मैं परसों सोच रही थी कचौरी खाने के लिए एंड आज जब मैं सुबह उठी तो कचौरी बन रही थी घर में, और रात को सोने से पहले मैं अपने भाई को बोल रही थी समोसे के लिए, और रात को मैं अपने भाई को बोल रही थी समोसे के लिए, समोसे खाने के लिए एंड अभी सुबह हमारे कोई रिलेटिव्स आए, वो समोसे ले आए और बहुत फेमस है वो यहाँ के समोसे जो वो लेके आए हैं एंड मेरा वही खाने का मन कर रहा था। एंड रात को छोले मैंने भिगो के रख ही दिए थे सो दैट सुबह छोले बन सके क्योंकि मेरा वो भी खाने का मन कर रहा था। तो आप सोच सकते हो मैं खाने के बारे में कितना ज़्यादा सोचती हूँ एंड वैसे मैंने अभी तक कुछ खाया नहीं उनमें से क्योंकि मैं हेल्दी खाने के बारे में भी सोच रही हूँ, तो इसलिए मैं ये सोच रही हूँ मैं क्या करूँ क्योंकि इतना सारा जो मैंने सोचा था वो सब कुछ आ चुका है लेकिन अभी मुझे खाना नहीं है क्योंकि मेरी डाइटिंग चल रही है एंड ओ माय गॉड दिस इज क्रेजी। सो लाइफ इज जस्ट लाइक दैट, आप जो मैनिफेस्ट करते हो वो आपको चीज़ें मिल जाती है लेकिन कभी कभी आपको वो सिर्फ मन कर रहा होता है, आपको वो चाहिए नहीं है। जैसे मुझे मन कर रहा था कचौड़ी खाने का लेकिन मैं अभी यार गिल्टी हुए बिना खा नहीं पाऊंगी क्योंकि मुझे वेट कम करना है अपना। एंड उसी तरीके से कभी कभी आप किसी ऐसे पर्सन को या सिचुएशन को मैनिफेस्ट कर लेते हैं जो कि आपको नहीं चाहिए होती लाइफ में, तो मेरे ख्याल से टावर मोमेंट भी वही था। ये शायद आपका डर ही था जो आपके रिलेशनशिप को यहाँ तक ले आया हो कि आपका रिलेशनशिप बिखर गया हमेशा के लिए, लेकिन आपके पर्सन डेफिनेटली आपसे प्यार करते हैं, वो आपको मैसेज भी करेंगे। कुछ लोगों की हो सकता है ऑलरेडी बात भी हो रही है और आपको उम्मीद है कि इस बार हम शादी तक पहुँच जाएंगे, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है। आपकी इंट्यूशन है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, आप टैरो कार्ड रीडिंग भी बहुत ज़्यादा देख रहे हैं आजकल, तो वो चीज़ भी मुझे यहाँ पे लग रही है कि उसकी वजह से भी शायद आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होगी। आपको शायद नंबर दिखते होंगे सेम सिंक्रोनिटी वाले, 1112224444 ये नंबर दिख रहे होंगे आपको, 666 भी आ रहा है यहाँ पर, वो भी दिखता होगा। चलो तो यहाँ पर मैं ओवरऑल एनर्जी की बात करूँ तो आपके जो पार्टनर है ना वो आपको डेफिनेटली पसंद करते हैं, वो आपसे शादी करना चाहते हैं अभी भी। टू बी ऑनेस्ट उनके मन में है क्या आप दोनों की शादी हो जाए, लेकिन वो फिलहाल अभी शायद वो पता नहीं कौन से ब्लॉकेज है अभी भी उनके दिमाग में, अभी भी उनके दिमाग में शायद वो पुरानी बातें नहीं भूले हैं तो इसलिए वो स्टेप ले नहीं पा रहे हैं। लेकिन मुझे ना इस पाइल के लिए, ना पाइल नंबर 3 के लिए, अगर आपके पर्सन से आपकी बात हो रही है या मैसेज आ रहा है या आने वाला है जो कि मुझे लग रहा है आने वाला है, तो डेफिनेटली आपके पर्सन आपसे शादी करने चाहते हैं, वो शादी की बात भी करेंगे। हो सकता है कि कुछ फैमिली फ्रेंड्स या आपके बीच में जो पास्ट में जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ वो चीज़ उनके दिमाग से अभी भी पूरी तरीके से नहीं निकली है, लेकिन फिर भी उनके दिमाग में है शादी करने का और वो शायद हिम्मत करके आपसे बोल देंगे। तो प्लीज़ उन्हें सपोर्ट करना अगर आप भी शादी करना चाहते हो तो, क्योंकि वो डरे हुए हैं, उनको लग रहा है कि पता नहीं दोबारा ऐसी चीज़ें तो नहीं हो जाएंगी हमारे साथ, दोबारा हम अलग तो नहीं हो जाएंगे, क्योंकि आप जितने सेंसिटिव हो ना उतने सेंसिटिव वो भी हैं, वो शायद दिखाते नहीं आपको, आप शायद दिखा देते हो रो के
लेकिन वो बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं। इस ये जो टावर मोमेंट है ना, उनके लिए बहुत भयंकर था। ये जो फोर ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है ना, डिप्रेशन वाली, वो उनकी है। वो बहुत ज़्यादा मिस करते हैं आपको, बहुत ज़्यादा आपके लिए परेशान हैं। वो चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो। वो चाहते तो ये थे कि ये हो जाए, कि आप दोनों की शादी हो, वो आपकी केयर करें, रिस्पॉन्सिबल बने, फैमिली को संभालें, लेकिन वो इस सिचुएशन में हैं। तो यहाँ पर बहुत ही उनका बुरा हाल है, लेकिन बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, पेशेंस दिखा रहे हैं, क्योंकि ये दोनों आप दोनों के लिए टेस्टिंग टाइम है, आपके प्यार के लिए टेस्टिंग टाइम है। तो अगर आपके पर्सन वापस आते हैं तो प्लीज़ उनको सपोर्ट करिएगा, क्योंकि वो डेफिनेटली आपके साथ ही रहना चाहते हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं। यहाँ वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। और एक छोटी सी टिप है कि आप चैरिटी वगैरह ज़रूर करिए। और एक चीज़ मुझे और लग रही है, आपके पर्सन की शायद जॉब लगने वाली है, तो शायद वो आपको ये बताने के लिए कॉल करें। और अगर वो ऑलरेडी जॉब करते हैं या कुछ काम करते हैं, तो उनको शायद कोई प्रमोशन मिलने वाला है, शायद वो इस बहाने से आपको कॉल करें कि मेरी लाइफ में ये अच्छा कुछ चल रहा है, तो वो शायद वो बहाने से आपको कॉल करें। लेकिन वो कोई भी बहाने से कॉल करे, वो आपको प्यार करते हैं, वो इसीलिए कॉल करेंगे। आपको चाहे बिल्कुल लगे कि ये तो बात कर ही नहीं रहा हमारे बारे में, लेकिन वो आपको प्यार करते हैं, वो इसीलिए कॉल करेंगे। तो यहाँ पे वही चीज़ हो रही है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड फ्री रीडिंग अभी भी कंटिन्यू है, एक पर्सन को रोज़ फ्री रीडिंग मिल रही है चैनल पे। तो उसके लिए आपको यही करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, एक अच्छा सा कमेंट करना है। दूसरा चैनल है जो स्टाइल बेरी, उसको भी वो कमेंट भी करना है और उसको सब्सक्राइब भी करना है। उसकी कमेंट सेक्शन में मैं लिंक डाल देती हूँ, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। ये तो स्टाइल बेरी सर्च करना मिल जाएगा, वैसे लिंक से चले जाना ज़्यादा ईजी रहेगा। एंड उन दोनों को सब्सक्राइब करने के बाद मुझे इंस्टाग्राम पे आके बता दीजिए कि आपने ये दोनों चीज़ें कर दी हैं एंड आप एलिजिबल हैं फ्री रीडिंग के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपका दिन बहुत अच्छा जाए और आपके पार्टनर आपको जल्दी से कॉल करे। पाइल नंबर 3 ब्लेसिंग्स है मेरे आपके लिए और बाकी सबके लिए भी, जो भी वीडियोज देख रहे हैं आज की। एंड होप कि आप जल्दी से फ्री रीडिंग्स जीतें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।